few days back, filmmaker Karan Johar was announced that he has become a proud parent of twins Yash Johar and Ruhi Johar via surrogacy. Now after Karan, it seems actor Gurmeet Chaudhary and his wife Debina Banerjee to have decided to become parents of two adopted children. Yes, recently at an event on the same, when Gurmeet and Debina were asked about it, then see what they had to say. बड़े टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं. एक्चुअली बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि हम बेबी करना नहीं चाहते या हो नहीं रहा है. वेल, बहुत दिनों से बात मेरे दिमाग में थी एंड ये बात मैंने देबीना से शेयर की कि ना हम दो बच्चियों को अडॉप्ट करें जो अनाथ हो, उनको वो घर दे सके, वो खुशियाँ दे सके, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है. हम हमेशा बात करते हैं कि गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, और लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है. आई थिंक अगर हम सब ऐसे ही आगे आएंगे और ऐसे बच्चों का अगर हेल्प मिल सके और उनको घर मिल सके, तो उससे खुशी की बात क्या हो सकती है. और इनफैक्ट हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे अनाथ बच्चे रहेंगे ही नहीं. जैसे आप बात कर रहे हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के बारे में, आजकल जितने फिल्मी सेलिब्रिटीज हैं मैक्सिमम जो है वो सरोगेसी के थ्रू बेबीज कर रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या टेक है, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि उन्हें भी अडॉप्शन के प्रोसीजर पे जाना चाहिए. वेल, सबकी अपनी अपनी सोच है एंड आई थिंक मुझे जो लगता है कि हमारी जो सर्कल में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सामने से खुद आए हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि यार हमें अडॉप्ट करना है. और कुछ ऐसे भी दोस्त आए हैं जो बोल रहे हैं कि यार इतना तो पैसा नहीं कि हम बच्चों को अपने साथ रख सकें, क्यों ना हम कुछ पैसा अगर डोनेट कर सकें उनकी पढ़ाई के लिए, थोड़ा भी कर सकें. तो आई थिंक हम सबको ऐसे आगे बढ़ना है और ऐसे ही सपोर्ट करना है. Debina also commented on her husband's film लाली की शादी में लड्डू दीवाना's trailer. She said, ये कैसा क्वेश्चन है? ये अच्छे मेरे फिल्म का प्रमोशन है तो आप ऑब्वियसली मैंने लाली की शादी में लड्डू दीवाना का ट्रेलर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा. लाली की शादी में लड्डू दीवाना ऑल्सो स्टार्स नसीरुद्दीन शाह's son, विवान शाह, अक्षरा हसन एंड सौरभ शुक्ला. द फिल्म इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन April 7 this year.